Hello everyone, welcome back to the channel. Today is a beautiful day. We have sun and I have still worn this jacket because it's windy always because it's Cape Breton. All right, so guys, aaj main subah uthi and I had no more toothache from my wisdom tooth extraction. So I was so happy and satisfied. Oh my god, finally the pain is gone. I can make the video. All right, and I can speak, I can talk. So yes, so guys, I will continue the last video. I visited the dentist second time for the extraction and I went there. Okay, अब मैं बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो जो हुआ वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिल्कुल इन्स एंड आउट्स जो मेरी फीलिंग्स थी. तो तैयार रहो, ठीक है? ओके, सो आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड देम दैट आई हैव एन अपॉइंटमेंट एट 8:40 विद द डेंटिस्ट. सो दे टुक मी इन एंड एज सून एज आई सैट इन द चेयर द डेंटिस्ट वॉज लाइक, ओके, आर यू रेडी फॉर इट? I was like, wait, just wait. No, I'm not ready. तो फिर उसने मुझे सबसे पहले एनेस्थेसिया दिया. एनेस्थेसिया, व्हाट डू वी कॉल इट, जो भी है, इसको सुन करने के लिए ताकि मुझे पेन फील ना हो. इस उसके लिए उसने मुझे इंजेक्शन दिया एंड देन उसी में मेरी बैंड बज गई, उसी में मैं डर गई क्योंकि मुझे थोड़ा फोबिया है डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट, ये जो भी है मुझे इन सबसे फोबिया है. तो उससे जैसे ही मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए, मेरा मुंह खोलने के लिए बोला, मैं वहीं पर ख़त्म, मैं हो गई ख़त्म, मैंने बोला. फिर उसने लगाया और मेरा उसी में ही, उन्होंने मुझे एक ब्लैक गॉगल्स काइंड ऑफ थिंग दी ताकि मेरे आईज़ पे जो लाइट, वो लाइट होती है जो लाइट ट्रीटमेंट के टाइम पे वो लाइट्स ऑन करते हैं ऊपर, तो वो मेरे आईज़ पे इफेक्ट ना हो या लगे ना, उसके लिए उन्होंने मुझे ब्लैक गॉगल्स दिए, विच इज़ अ गुड थिंग. मुझे अच्छा लगा कि कितना सोचते हैं ये वो. तो यस, एंड देन उसने इंजेक्शन लगाया और उसमें ही मैं लिटरली रोने लग गई. आई एम नॉट अ क्राइंग बेबी बट वट एवर इट इज़. मैं आपको एकदम एग्जैक्ट जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता रही हूँ, सो प्लीज़ डू नॉट जज. ओके, तो फिर उसके बाद उसने 10 मिनट मुझे छोड़ दिया ऐसे ही, ताकि उसको टाइम लगता है होने में, सुन होने में, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया 10 मिनट के लिए. एंड देन मैंने उस 10 मिनट में, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो मैंने अपने घर पे फ़ोन करा, मम्मी की एंट्री होती है, मैं बोलूँ मम्मी, मैं फ़ोन करती मैं रो रही हूँ. मम्मी डर गई. मम्मी बोलते क्या हुआ, क्योंकि उनको नहीं पता चला कि अच्छा मैं डेंटिस्ट के पास हूँ. ऑल्दो मैंने बताया हुआ था उनको, बट स्टिल, तो वो एक सेकंड के लिए तो डर गया. और फिर मैंने उनको बताया कि कुछ हुआ, कुछ नहीं है मुझे, बस मैं डेंटिस्ट के पास आई हूँ एक्सट्रैक्शन के लिए, तो इसलिए मेरे को डर लग रहा और बस कोई है नहीं, तो इसलिए है. इंडिया में जब भी मैं एक दो बार डेंटिस्ट के पास गई थी कनाडा आने से पहले, वो मैं एक बार पापा के साथ गई थी, एक बार सिस्टर के साथ गई थी. मेरी सिस्टर भी डेंटिस्ट है तो उसको मैं हमेशा लेकर जाती थी जब भी कुछ होता था. तो फिर हाँ, तो मैंने उनको कॉल करा क्योंकि आज इस बार मैं अकेले थी, मेरे साथ फैमिली नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा ऐसा ही हो गया था. एंड देन दे मोटिवेटेड मी एंड मम्मी, तो उसी टाइम लिटरली प्रेयर करने लग गई कि मेरी बेटी का टूथ अच्छे से निकल जाए, उसको दर्द ना हो. और सिस्टर भी थी लाइन पे, तो ऐसा हुआ. और फिर डॉक्टर आया एंड उसने स्टार्ट किया करना, तो ही आस्क्ड मी दैट अगर ऐसे कुछ है तो मुझे बता दो, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं रो रही थी. तो उसने मुझे बोला कि अगर ऐसे ही रहा तो फिर मैं आई विल स्टॉप इट हेयर. मैंने बोला नहीं, प्लीज़ मेरे रोने पर मत जाओ, आप कंटिन्यू करो. तो मतलब दे वर वरीड अबाउट मी कि मैं कुछ, मतलब मैं ठीक हूँ ना, मुझे क्या हो गया, मैं क्यों रो रही हूँ. बट मैंने उनको फिर बताया कि इट्स नॉर्मल फॉर मी, मैं ऐसे, मेरे साथ ऐसा ही हो गया, आप कंटिन्यू करो, निकालो बस. फिर उसने वो पुल करने की कोशिश करी एंड देन मुझे पेन हो रहा था तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने मेरे को 3-4 और इंजेक्शन दिए. मुझे एंड तक पेन हुआ, एंड तक एज इन उसने निकाला नहीं था, बट वो टेस्ट कर रहा था कि, पूछ रहा था कि इज़ इट प्रेशर और पेन.
तो ये नॉर्मल क्राइटेरिया है एक्सट्रैक्शन से पहले का. तो फिर मुझे पेन हो रहा था तो उसने मैक्सिमम लिमिट तक मुझे दिए इंजेक्शन सुन करने के लिए, क्योंकि आई डोंट नो मुझे हो रहा था पेन फील. तो फिर यस फाइनली मैंने बोला यस अब नहीं हो रहा पेन, और मैंने आंखें बंद कर ली बिल्कुल. एंड और विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स इट वॉज आउट. आई वॉज लाइक ओ माई गॉड फाइनली. एंड जैसे ही वो बाहर निकला तो मेरे को अंदर फील हो रहा था कि ब्लड आ रहा है. right फिर उसके बाद उन्होंने गौश बेट करके मेरे मुंह में लगा दिया. एंड उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे क्या करना है, कि घर जाके अगर इसको हाफ एन आवर के बाद रिमूव करना है. और उन्होंने एक्स्ट्रा गौश दिए मेरे को और इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसे ऐसे करके लगाना है. एंड पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए आफ्टर जो भी केयर होता है उसका. एंड देन मैं घर आ रही थी. ओ एंड क्रेजी थिंग हैपेंड, मेरा विजडम टूथ निकल गया. तो मेरी सारी विजडम निकल गई है, मतलब मैं तो अब और आई एम नो मोर वाइज. सो आई प्रूव्ड इट एक्चुअली. तो मैं बस में जा रही थी, बस से आ रही थी घर पे. एंड मुझे बस में एक लड़की थी, शी वॉज कन्फ्यूज अबाउट द रूट एंड ऑल दैट स्टफ. मेरे अंदर की हेल्पिंग वुमेन जागी. एंड फिर मैंने सोचा मैं उसको हेल्प करती हूँ. और मुझे ये नहीं ध्यान रहा कि अच्छा मैं बोल तो सकती हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँगी उसको, कैसे डायरेक्शन बताऊँगी कि कहाँ जाना है कैसे जाना है. और मैं उसको पागलों की तरह लिटरली ऐसे कर रही हूँ. बस ड्राइवर भी ही वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज शी सेइंग. तो थोड़ा स्टुपिडिटी हो गया, बट आई थिंक मैंने उसको हेल्प कर दी. मैंने उसको बता दिया था, लिख कर बता दिया था कि स्ट्रेट एंड राइट गो राइट. तो अच्छा है हेल्प करी, बट पता नहीं जो भी है उसको समझ में आया है नहीं आया. तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी सारी विजडम चली गई है. मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता. क्योंकि मैं बोल तो सकती नहीं थी, मेरा मुंह नहीं खुल रहा था क्योंकि उन्होंने गौश लगाया था और मेरे को बोलना अलाउड नहीं था 2 घंटे के लिए. और मैं उसको एक्शन कर रही हूँ और एक्शन में उसको समझ में नहीं आ रहा है. सो यस आई विल शेयर वन वीडियो. मैंने घर आते टाइम शूट करी थी मेरा एक्चुअल जो उस टाइम पे था उसका, तो मैं उसके वो एंड में डालूंगी ताकि आप देख सको कि क्या हालत हुई थी मेरी. ओके सो हाँ, तो वहाँ से मैं निकल रही थी तो उन्होंने बोला यस यू कैन गो. दे डिडंट चार्ज मी एनीथिंग बिकॉज मेरे पास CBU का गाड़मी इंश्योरेंस था. एंड गाड़मी इंश्योरेंस में आप ये अप टू 600 कवर्ड होते हैं. तो मेरे केस में मेरा जो विजडम टूथ था वो ईजिली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बाहर आया हुआ था. तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी केस में मेरे, जो जिसके लिए मुझे नॉट इवन सिंगल पेनी, मुझे कुछ नहीं पे करना पड़ा. It was all covered thanks to CBU, thanks to guard me. So guys, one more thing I would like to thank you all, my family Mohit and Kirk and Julie and everyone who sent me best wishes on Instagram, YouTube. Thank you so much for your wishes. And yes, ab mujhe pain nahi hai and I'm free. Free from wisdom tooth pain, yay. So thank you so much, I love you all. So guys, I would like to mention 2 things here. First, in Canada, if a child is crying and a doctor has to give him an injection, so the doctor will not give him the injection until and unless the child stops crying. But if someone is there to hold the child's hands or something, then they would give him the injection. And second thing, they really care about the patient. एंड जब तक जैसे उन्होंने मेरी कंफर्ट के लिए उन्होंने मुझे स्पेक्स दिया ताकि मुझे डिसकंफर्ट फील ना हो, आईज पे रिफ्लेक्शन ना पड़े, तो दैट्स अ गुड थिंग. सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट माय डेंटल एक्सपीरियंस इन कैनेडा. इट वाज प्रीटी गुड. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज. एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एंड लाइक इट एंड कॉमेंट डाउन योर क्वेरीज. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय.